हेलो, अ डे आउट शॉपिंग, यह है आज का हमारा टास्क। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। यूजुअली हम लोग आसपास की दुकानों पे जाके जो डिफरेंट डिफरेंट सामान होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन मॉल और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो मुझे इसलिए पसंद है कि सारे कैटेगरी का सामान हम एक ही जगह से ले सकते हैं। आज ये मैडम भी जा रही है हमारे साथ, ये भालू भी जा रहा है हमारे साथ, ये ट्रेड फेयर वाले है ना ये, और मैं तो जा ही रहा हूँ। वैरायटी इक्वल्स टू कन्फ्यूजन, तो वही चल रहा है। तो ये है इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने का पहला एक्सपीरियंस। अजीब ना लगे, एक किलो ही ले ले। एक किलो अजीब सा लग रहा है तो कभी। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये ले लेते हैं। वैसे तो मोस्टली मैंने ग्रॉसरीज वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं पे छोड़ रखी है, लेडीज संभाल रही हैं, लेकिन मैं भी इनकी हेल्प कर रहा हूँ बीच बीच में। मेरे को तो अपना मेंस का आइटम लेना है, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह और शेविंग क्रीम वगैरह मे भी। गाड़ी हमारी ये मैडम संभाल रही है। कैसा लग रहा है भाई, संभाल रही है तेरे से? भारी है इसके टायर, क्या है ये गाड़ियाँ, स्मूथ क्यों नहीं है? ये स्मूथ नहीं है ना, ये मुड़ती नहीं है ना, कंप्लेंट करेंगे ठीक है। यार जंक फूड की इतनी वैरायटी है भाई, बंदा कैसे कंफ्यूज ना हो, है ना भाई। वैसे मेरे को डाइटिंग करनी है और वैसे मैं मैगी ले रहा हूँ, और वो भी इतना बड़ा पैकेट। अगर ओवरऑल देखें हम तो हेल्दी फूड से ज़्यादा हमने जंक फूड लिया है ना भाई, है ना भाई। तू भी सारा जंक फूड लिया है ना तूने, मैगी फैगी ऐसी चीज़ें, और अभी भी हम जंक फूड के सेक्शन में ही हैं, इधर भी और इधर भी। हेल्दी जगह तो जा ही नहीं रहे हम लोग। हाँ चिप्स जंक फूड में ही आते हैं। इस देखो, इसे समझाओ इसे कोई। चाय का बर्तन, मैगी मत दिखा दूसरों को, उन्हें पता चल जाएगा मैं डाइट नहीं कर पा रहा अपनी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरी मम्मी और बहन इधर उधर घूम रही हैं ना, सही टाइम पे तो कौन सा सामान लेना है वो भी दिमाग में नहीं आता ना। तो हम बिल काउंटर पे खड़े हैं। ये है फर्स्ट ट्रॉली, रख दे इसे नीचे। और ये है सेकंड। पता है आज ना हम ऐसे ही वो सडन प्लान बना तो आ गए, अगली बार ना क्या करेंगे माइंड में कुछ सोच के आएंगे, क्योंकि अभी बिल काउंटर तक जाते जाते भी माइंड में यही चल रहा है हम कुछ भूल ना गए हों, क्योंकि एक बार बाहर निकले तो फिर गाड़ी में ही जाना है सीधा। मेरे को डेफिनेटली पता है हम घर पहुँचेंगे और फिर यही बातें चलनी है, अरे ये भी ले लेते वो रह गया, ये भी लाना था वो नहीं लिया। अब ये खाने वाली ट्रॉली इतनी आलीशान जैसी जगह से ले जाने में किसको अजीब नहीं लगेगा। हाँ मेरे को लग रहा है, ऐसे कह रहा हूँ मैं, तेरे को सीधा भी नहीं पता। तो एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग करने की आदत नहीं है। मुझे लगा था वो बैग देंगे, और ये बैग 20 रुपये का एक है। फालतू का खर्चा नहीं, कंजूस हूँ मैं, बेशक मैं यूट्यूबर हूँ पर कंजूस हूँ मैं, इसलिए हमने एक ही बैग लिया है, और बाकी ये तो घर पे भी खाली हो जाएगा यार, डिग्गी में कौन देख रहा है ना। लाना चाहिए था पर हमें बैग, रात हो गई हमें शॉपिंग करते हुए। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं इल्लीगल ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूँ। अब तो मुझे सही में ऐसा लग रहा है मैं इल्लीगल सप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या है ये, अब लाना चाहिए था हमें कुछ। और परी ट्रॉली के साथ खेलना बंद कर, हमारी गंदी आदत है हमेशा ओवरलोड कर लेने की सामान को। वाओ, अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मेरा काम तो वहाँ से यहाँ तक लाना था, अब एडजस्ट करने का काम इन लोगों का है। मैं तो थक गया भाई साहब, पूरा दिन चला जाता है एक बार मेरे घर से बाहर निकलो तो। यहाँ से बहुत दूर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और छोटे छोटे सामानों के लिए यू नो एक ही बार इकट्ठा लाना ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, और जब भी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं हमेशा ओवरलोड हो जाता है सामान, हमेशा गंदी आदत है हमारी। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, अब मैं आराम से गेम्स खेलूँगा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो ये था हमारा डे आउट शॉपिंग। मेरे को पसीना आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, ऑयली स्किन है मेरी बहुत बहुत जल्दी, ऐसा लगता है किसी ने तेल वेल से मालिश कर दी हो मेरे चेहरे की। एनीवेज आज के व्लॉग में बस इतना ही, मैं चला, पीस आउट।